ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के ललपुर में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले फिर सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ललपुर में छापामार कार्यवाही की। इस दौरान रेत माफिया में भगदड़ मच गई। रेत माफिया से जुड़े लोग मौके पर नाव छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने लगभग 2 दर्जन नाव को नष्ट कर दिया। खनिज विभाग और ग्वारीघाट थाने की संयुक्त टीम ने मंगलवार को ललपुर घाट पर दबिश दी। इस दौरान नाव के जरिए नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं में भगदड़ मच गई। नर्मदा से रेत निकाल रहे रेत माफिया अपनी अपनी नाव मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने नावों को नष्ट करने की कार्यवाही की। साथ ही पुलिस की टीम अब रेत का अवैध उत्खनन करने वालों की पतासाजी कर रही है। इस सूचना पर पाकर के उन्होंने तत्काल सूचना खनिज विभाग के अधिकारियों को मोबाइल फोन से दी और थाने से उपनिरीक्षक रीतु उपाध्याय, एसआई रंजीत सिंह ठाकुर और आरक्षक मुकेश अन्य स्टाफ को साथ लेकर के और ललपुर घाट पहुँचे। तब तक रेत निकालने वाले लोगों को किसी ने सूचना दे दी तो अपनी नाव छोड़ करके और नाव और रेत जो भरी थी उनको पलटा करके दूसरी तरफ नर्मदा तरफ भागे। यह मौके पर अधिकारी पहुंच गए तो वहां पर मिली 25 करीब नावों को वहीं पर तोड़ दिया गया। नर्मदा जी के अंदर सभी को रेत खाली करे, परंतु कोई आरोपी कौन थे, कौन निकाल रहे थे, संबंध में सुराग रसी की जा रही है, अभी पता नहीं चला है। परंतु भारी काफ़ी दिनों से ललपुर गांव में अवैध रेत निकालने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ललपुर में रेत के अवैध उत्खनन करने वालों पर विभाग की पैनी नजर है।